जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये कैसे शुरू किया जाता है, कैसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं। इसमें दोस्तों क्राइटेरिया है, सबसे पहले 18 से 40 वर्ष के लोग ही होने चाहिए, यानी कि 40 से ऊपर के जो लोग होंगे वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर 18 से कम होते हैं तो वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, असंगठित क्षेत्र में काम जो करते हैं या जो संविदा कर्मी हैं जिनको आप बोल सकते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ लेना है। और 60 साल के बाद आजीवन, यानी कि जब तक आप जीते हैं तब तक आपको 3000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरीके से फिलअप करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो 50 रुपये प्रति महीने इन्वेस्ट आपको करने पड़ेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में। वही जब 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको मिलने वाला है 3000 प्रति महीने की पेंशन। अगर आप नहीं रहने वाला है तो फिर आपकी पत्नी, यानी कि अगर आपका देहांत हो जाता है तो आपकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी, जब तक आपकी पत्नी जीवित रहती हैं तब तक। ये है इसके लाभ और ये पेंशन आजीवन मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये 10 महीने या फिर 10 साल या फिर 20 साल इस तरीके से नहीं मिलने वाले। जब तक आप जीवित रहने वाले हैं तब तक ये पेंशन आपको लगातार मिलेगी, हर महीने मिलेगी। दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए तो ये है ही नहीं, और जो छोटे व्यवसायिक हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं 72 रुपये प्रति महीने का इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र में, यानी कि मैं लगभग 24 वर्ष के आसपास। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप 18 के हैं या फिर 40 के हैं, इस बीच में किसी भी साल के, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल जब आपकी उम्र है तो उम्र के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर 18 वर्ष है तो 50 रुपये इन्वेस्ट करना है, अगर 40 वर्ष है तो लगभग 200 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो लगभग 175 रुपये। इस तरीके से करके आपकी उम्र के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है पैसा, जो कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाने वाली हैं, कितने रुपए प्रति महीने आपके एज के हिसाब से इसमें लग रहा है। और दोस्तों इसमें गारंटी है कि 60 साल बाद, जैसे ही आप 60 साल के होते हैं, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट शुरू किया 40 साल में, आपकी उम्र 40 साल है और यहाँ से आपने इन्वेस्ट शुरू किया है, तो 40 साल में अगर आप इन्वेस्ट शुरू करते हैं तो 20 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। 20 साल इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर प्रति महीने आपको 200 रुपये लगते हैं, तो जब आप 20 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 48,000 रुपये इसमें देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो प्रति वर्ष आपको 36,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 48,000 और 36,000 प्रति ईयर, यानी कि प्रति महीने 3,000 रुपये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ये आजीवन मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल 2 साल ही मिलेगा, 3 साल ही मिलेगा। अगर आप 48,000 इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे प्रति महीने 200 करके, तो आपको पूरे जीवन, अगर आप 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, 85 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, आपको 3,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा ही मिलेगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, 60 साल के बाद आजीवन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, आजीवन पेंशन आपको मिलने वाला है। छोटे व्यापारी भी इसमें कार्य कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम रकम है, धीरे धीरे करके हर महीने कटने वाली है। और 60 वर्ष के बाद सभी को पेंशन की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत ही गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही बेहतरीन चीज़ें निकाली गई हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर लें, आपके आसपास अगर कोई भी लोग हो तो उनको ये वीडियो शेयर करें, उन्हें दिखाएं, बताएं कि आप भी इसका लाभ ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ें भी बताएं। दोस्तों किसी भी अपने आसपास के सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाने वाली है, और वो आपका ये फॉर्म अप्लाई भी कर देने वाले हैं। और जो जितने भी कम इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जिनकी इनकम बहुत ही कम है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतर स्कीम गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है। और ये क्राइटेरिया भी रखी गई है कि 40 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 40 से 18 के बीच में ही इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर 40 से ऊपर के लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, फिर उनको जो रिटर्न है वो देने में दिक्कत होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट कम से कम 48,000 तो सबसे ये लोग ले ही रहे हैं, लेकिन 36,000 प्रति ईयर जो है कि आपको पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, और किसी के लिए भी 60 वर्ष के बाद कुछ ना कुछ पेंशन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जो संविदा कर्मचारी हैं जिनकी पेमेंट 15
हज़ार से कम है, ये भी इसमें एक क्राइटेरिया रखी गई है कि 15,000 से कम ही आपकी पेमेंट होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जो पेमेंट है इससे ज़्यादा है तो फिर आपको इससे बाहर रखा जाएगा, आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका पेमेंट 30,000 है 40,000 है, वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जो टैक्स पेयर हैं वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और जो बड़े व्यापारी हैं वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनका मानदेय 15,000 से कम है, जिनका पेमेंट 15,000 से कम है, कहीं पे मजदूरी करते हैं या फिर कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र जिसको बताया जा रहा है, वहाँ से भी आप अगर हैं तो इसका लाभ बड़े ही आसान तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक लाभदायक योजनाओं के बारे में ऐसे ही लगातार बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।